أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الخزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين आज हम इंशाल्लाह अल्लाह के खास फजल व करम से उसकी खास रहमत और नेमत से हमारे ऊपर हम सूरह नहल की आयत नंबर 22 22 नंबर आयत से ऑनवर्ड हम देखेंगे सबसे पहले हम उसी की हमद उसी का शुक्र उसी की तारीफ करेंगे जिसने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया जिसने हमें ये सोच दी जिसने हमारे दिलों को इसकाबल किया कि हम उसके कलाम को समझने की कोशिश करें हम अपनी सुबह का कुछ थोड़ा सा वक्त उसके उसके कलाम को या उसकी नसीहत को समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको हमें कबूल कबूल मंजूर फरमाए हमारी इस कोशिश को अल्लाह ताला हमें इसमें सकामत इस नसीब फरमाए और इसका फ़ायदा हमारे लिए और हमारे साथियों के लिए इस दुनिया में भी और आख़रत में भी अता फरमाए आमीन जारब्बल तो इससे पहले के सबक जो हमने पढ़े आयत नंबर इक्कीस तक इस शूर मुबारक के उसमें हमने देखा कि शूर मुबारक जब शुरू हुई तो शुरू में ही अल्लाह ताला ने, ने मक्का की एक, एक जो उनका किरदार था या उनकी जो एक उनका एक तकाजा था या उनकी एक ख्वाहिश थी उसके बारे में दो टोक अल्फाज में बता दिया कि अब तो तुम्हारे ऊपर आज़ाब का वक्त बहुत करीब है अब तुम उसके आने की जल्दी जो है उसको तलब मत करो उसके आने 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 उसको पाने की जल्दी मत करो वो तो अल्लाह ताला की मर्जी और मशीयत है कि जिसके ऊपर भी वो वही करे अपने बंदूक में से और जब वो वही करता है या जो अल्लाह ताला की जो वही है उसका जो सबसे पहला और बुनियादी पैगाम वो तोहद का और उसके बाद फिर बाकी रूहानी और मामला जो है वो और फिर शुरू की आयात में अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी असल हकीकत उसकी असल हैसियत जो है उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वो तो एक पानी के नुतफे से एक नुतफे से एक पानी के बेकदर कतरे से उसको पैदा किया गया जिसकी जिसकी कोई हैसियत और वक़त नहीं उसके बावजूद अल्लाह ताला, ताला ने उसके ऊपर बहुत सारे इनाम किए उसको उसकी अपनी ज़िंदगी को अ, मतलब बचा कर रखा उसकी हिफाज़त की आ, उस उसने उसको बहुत सारी नेमतें दी इस दुनिया में जिससे वो फ़ायदा हासिल करता है लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह के सामने अकड़ कर खड़ा हो जाता है अल्लाह के सामने तकबर से खड़ा होकर उसके अहकाम का या उसकी वहजानियत का इनकार करता है तो उसकी हैसियत जो अल्लाह जिक्र शुरू किया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उसके अपने ज़ात के जो बाकी उसकी ज़िंदगी और उसकी हयात जो है उसके ऊपर जो बहुत सारे इनामत हैं उसका अपना जिसम उसकी अपनी जान और उसके अपना आ, अपनी ज़िंदगी जो है उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो चीज़ें इस कायनत में इस दुनिया में भी और आ, दुनिया के बाहर चांद सूरज की सूरत में और दूसरे जो कायनत की शक्ल में दी जिनसे वो डायरेक्टली और इन फ़ायदा हासिल करता है उनकी तरफ कुछ इशारा किया जिसमें जिसमें चुपाए जो हैं जिनका वो जानवर जो जो चरने वाले जानवर जिनसे वो मतलब मुख्तलिफ तरह के फायदे भी हासिल करता है और उनको खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करता है फिर घोड़े और खच्चर और गधे जो हैं उनकी मिसाल बयान की इसके अलावा रात और दिन का आना जाना या सूरज और चांद को भी अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए मुयसर कर दिया इंसान के लिए और इसके जमीन उसके अलावा ज़मीन के ऊपर उसके नबाता और फल और पौधे वगैरह मुख्तु तरह के और बहुत सी मुख्तफ रंगों की मखलूक़त जो इस इस ज़मीन पर अल्लाह ताला ने पैदा की फिर बारिशों का जो निज़ाम पैदा किया अल्लाह ताला ने और बारिशों के निज़ाम से किस तरह से जिंदगी जो है इस जुए ज़मीन पर रवा दवा है उसके अलावा समंदर और दरियाओं में जो कश्तियों का चलना और समंदर से ताज़ा गोश्त मछलियों की शक्ल में हासिल करना और दूसरे बहुत सारे समंदर से फ़ायदे हासिल लेता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना और उसके माहौल में आबो हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक तनासब बरकरार रखना और उसके अलावा बहुत सारे फ़वाद जिसको हम तहकीक थोड़ी सी करें तो हमें उसका अंदाज़ा होता है उसका जिक्र किए अल्लाह ताला ने उसके अलावा ज़मीन के ऊपर पहाड़ों का गाड़ देना ताकि ये ज़मीन जो है ये हिले नहीं ताकि ये ज़मीन स्मूथली अपने अपनी ज़िंदगी के सफर पर चलती रहे ताकि इंसान जो है इसके ऊपर आसानी से और आसानी से इसके ऊपर अपनी जिंदगी बसर कर सके और इसके अलावा सितारों सितारों के सितारों की मौजूदगी सितारों के जरिए से इंसान जो है वो बहुत सारे फ़ायदे हासिल करता है अल्लाह ताला ने रस्ते और निशानियां इस ज़मीन के ऊपर बनाई ताकि वो नकलोम हमल और इसका इधर उधर आना जाना जमीन के ऊपर मूव करना उसके लिए उसको आसानियाँ हो जाए तो इस तरह से उसने बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई कुछ नेमतें बहुत सारी नेमतें बेशुमार नेमतें हैं अल्लाह ताला की उसमें से कुछ नेमतें उनकी तरफ इशारा भी किया और उनको थोड़ा सा तफसील से भी बताया और फिर अल्लाह ताला ने याद कराया पहली आयत जो उसमें जिक्र की कि इसके बावजूद अगर इंसान जो है वो ये समझता है कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को शिरक शिरक करेगा और किसी को खड़ा करके वो बड़ा तीर मारेगा तो अल्लाह ताला की वहदानियत तो और उसकी बुजुर्गी में उसकी बड़ाई में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला वो तो पूरी कायनात का खालिक है बल्कि जिनको वो अल्लाह के अलावा पुकारता है और अल्लाह के साथ जिनको वो शरीक ठहराते हैं वो तो खुद मखलूक है वो तो खुद मुर्दा है जिंदा नहीं है उनकी तो कोई हैसियत नहीं और उनकी तो कोई अपना शुरू भी नहीं और उनको तो ये भी पता नहीं कि उनको कब उठाया जाएगा अब इस दुनिया से वो चले गए तो अब उसके बाद उनके साथ क्या मामला होने वाला है और कब उनको उठाया जाएगा उनको तो उस चीज़ का भी पता नहीं तो इस तरह की बहुत सारी अल्लाह तला ने अपनी निशानियों में से कुछ निशानियाँ या अल्लाह ताला के इनामत में से कुछ इनामत जो इंसान के ऊपर हैं उनको गिनवा कर इंसान को फिर बावर कराया कि तोहीद अल्लाह की वाहदानियत जो है उसके ऊपर कारबंद रहना ही असल इंसान का मकसद होना चाहिए और उसी को लेकर जब वो क्यामत की क्यामत को अपना मशा या क्यामत को हुई टारगेट बनाकर चलेगा जन्नत को टारगेट बनाकर चलेगा या जन्नत को अपनी मंजिल बनाकर चलेगा तो फिर ही वो सीधे रस्ते पर चलता रहेगा अदरवाइज तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रस्ते भी हैं जिनके ऊपर अगर वो भटक गया आए एक दफा तो फिर उनकी वापसी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती इसी तरह की आयात के बाद आज की हम सबक देखते हैं इनशालाते है हैं इला इला वाहिद। तुम्हारा माबूद एक महबूद तुम्हारा जो वो मबूद है वो एक ही मबूद है अकेला मबूद है उसके साथ कोई दूसरा ऐसा नहीं जो इस लायक हो कि उसकी उसकी इबादत की जाए या उसको मबूद का दर्जा दिया जाए ये ये इसलिए इसका बार बार पहले भी कुछ दफा तर तस्करा हुआ कि मुशर्किन जो है वो अल्लाह को तो मानते थे अल्लाह का कुछ पहचान अल्लाह की पहचान और अल्लाह का तारफ उनके दिल में मौजूद था लेकिन उसके अल्लाह के साथ साथ वो कुछ दूसरी हस्तियों को भी शरीक ठहराते थे, थे, थे कि कुछ जो है वो उनकी ए, उनके रिस्क के लिए मामूर हैं कुछ मौसम की तब्दीलियों के लिए कुछ दिन और रात के आने जाने के लिए और कुछ उनकी आ, उनकी किस्मत के लिए आ, कुछ देवी देवताएं और मुख्तलिफ नामों से उन्होंने अपनी हस्तियों के नामों को आ, रखे हुए थे और फिर उन नामों के आ, फिर फर्दर उन्होंने पुतले और बुत वगैरह बनाकर उनकी वो परसिश करना और उनके जरिए से अपनी हाज़ात तलब करना ये उनका वतीरा था तो अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया कि ये पूरी कायन पैदा की अल्लाह ताला ने वो सिर्फ एक ही है जिसने ये पैदा की इसके अलावा किसी और की बस की बात नहीं और उसके अलावा बाकी जितने इनामत किए अल्लाह ताला ने वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहद शरीक की तरफ से है उसके अलावा कोई मबूद नहीं है वाजे कर दिए उनके ऊपर कि जो अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो उनकी कोई हैसियत नहीं पिछली आयात में भी हमें अंदाजा हुआ और इसमें दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ही वाहिद मबूद है

उनके दिल इनकार करने वाले हैं और वो इस हालत में है कि वो तकबर करते रहते हैं या वो इस हालत में है कि वो तकबर करते रहते हैं और उनके दिल जो है वो तो इनकार करने वाले हैं आखरत पर ईमान आखरत पर ईमान जो है ये अगर एक इंसान की जिंदगी में आ जाए यकीनन आखरत पर ईमान लफ्जी तौर पर तो होता है लेकिन प्रैक्टिकली आखरत के अंजाम से डरना और आखरत की होल नाकियों को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को सुधार कर रखना जो इंसान इस इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखे वो दुनिया की बहुत सी सारी बुराइयों से बच बच जाता है तो उनसे बचने की हमेशा कोशिश करता रहता है बगैर किसी मंजिल के इंसान जो है अगर चलेगा तो उसको कोई कोई रस्ते जो है बहुत सारे मिलेंगे और वो भटकता रहेगा अगर किसी को किसी मंजिल की तरफ जाना है तो उसी की तरफ रुख करके उस को चलना है अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर फॉर एग्जांपल अगर वो कराची से सफर करता है इस्लामाबाद की तरफ तो वो इस्लामा की तरफ रुख करके उसी रास्ते के ऊपर चलता रहेगा तो तभी वो अपनी मंजिल के करीब तर होता चला जाएगा अगर वो उस रास्ते को छोड़ देगा उस सीधे रास्ते को छोड़ दे जाएगा देगा जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है तो यकीनन वो भटकता रहेगा और सारी जिंदगी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा तो इसी तरह से क्यामत को सामने रख कर जो जो इंसान अपनी अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है और अपने आप को सीधे रस्ते की तरफ उसी मंजिल की तरफ रवा दवा रखने की कोशिश करता है वो तो इस दुनिया में बेशक थोड़ी बहुत मुसीबतें और आजमाइशें उसके ऊपर आ जाएं लेकिन वो कम से कम कामयाब लोगों में जरूर शुमार होता है अपनी कोशिश की वजह से अपने अमल की वजह से जो उसने दुनिया में उस उस आखरत की मंजिल को हासिल करने के लिए की लेकिन जो लोग इन चीज़ों को ज्यादा तो तरजीह नहीं देते जो लोग इन चीज़ों को पसे पुस डाल देते हैं चाहे वो कौली तौर पर बेशक वो मानते भी हों लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको नहीं मानते प्रैक्टिकली यानी उसकी कोशिश करना और उसकी तरफ जस्तजू करने की अगर वो अः मतलब को नहीं करते जस्तजू नहीं करते उसकी तरफ वो हिम्मत और अः मतलब कोशिश नहीं करते तो इसका मतलब है वो वो उसको दिल से तस्लीम नहीं करते ठीक है और ख़ास कर जो नॉन मुस्लिम हैं और जो अल्लाह के मामले में शिरक करने वाले हैं उनमें यह सबसे बड़ी जो दुनिया की जिंदगी गुजारने में जो गुमराही का बायस बनती है उनका ये आखरत के ऊपर ईमान जो है वो कमजोर होना या बिल्कुल ना होना अक्सर हमने देखा है कि नॉन मुस्लिम जो है इवन के किताब जो, जो नॉन मुस्लिम हैं और हिंदू वगैरह जो हैं, इवन के सिख और बुद्ध बुद्धिज्म जो बुद्धिस्त जो हैं, खासकर सिख वगैरह और हिंदू वगैरह उनका भी कुछ ना कुछ अकीदा जरूर है कि वो आखिर एक वक्त आएगा जब वो सबको मतलब बुराई और अच्छाई जो है उसका अंजाम मिलेगा लेकिन वो उसके ऊपर उस तरह से कारबंद नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए वो सिर्फ उनके अकायद की हद तक या उनके लफ्जी जो मामला हैं उनकी हद तक है अगर वो सही मानू में उसकी तरफ तोजो दे कर तहकीक करके थोड़ी सी जस्तजू करके अगर वो चलेंगे तो यकीन वो अल्लाह को पहचानेंगे अल्लाह ने बहुत सारी निशानियाँ जैसा कि पिछली आयात में जिक्र की जैसा कि इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र की जैसा कि इंसान की अपनी जबिलत और जो उसकी जो फितरत है फितर फितरत सलीमा जो है उसमें जो रख दिया अगर वो उनको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह को पहचानने की कोशिश करे तो यकीन वो अल्लाह को बहुत आसानी से पहचान सकता है शर्त यही है कि अनबायस्ड होकर वो उसके ऊपर तहकीक करे तो, तो वो बहुत सारे मामलों में अपनी दुरुस्ती कर सकता है लेकिन दुनिया की ख्वाहिशा दुनिया के मामला दुनिया गुजारने के चक्रों में वो इस तरह पड़े हुए हैं कि अल्लाह को मानने के बावजूद भूले हुए हैं या अल्लाह को अगर मानते भी हैं तो उसकी बहुत सारे जो अहकाम हैं उनको पसे पुष डाला हुआ है और आखरत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते ऐसे लोग जो हैं वो इनकार करने वाले तकबर करने वाले हैं इनकार करने वाले तो सीधा सीधा सा मतलब है कि अल्लाह के से इनकार करना या तो बिल्कुल मानना ही नहीं या उसको उसके ऊपर अमल करने से इनकार कर देना और तकबर जो है तकबर करना तकबर जो है वो अपनी मनमानी करना है तकबर का एक सादा सा मतलब ये है कि अपनी मर्जी करना है। अपने आप को ज़्यादा अहमियत देना अगर अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का तो नमाज को छोड़कर अपने कामों में मशगूल रहना यह भी तकबर की एक किस्म है अल्लाह के अहकाम को छोड़कर अपनी मनमानी करना अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना अपनी मर्जी से अपनी आसानी और अपनी जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक अपने आप को रखना यह तकबर की एक निशानी है उसके अलावा भी बहुत सारी निशानियां हैं शैतान ने भी तकबर किया का दर हकीकत तो अल्लाह ताला की के हुक्म का इनकार करके तो उसने भी तकबर किया था बहुत सारी आयत में बहुत वाज तौर पर यह मिलता है कि इंसान शैतान ने इबलीस ने तकबर किया कि मैं अब आला हूँ मैं ज्यादा अच्छा हूँ मुझे तूने आग से पैदा किया और इस इंसान को तूने मट्टी से पैदा किया मेरी हैसियत जो है वो ज्यादा आला है उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया गोया उसने तकबर किया तो बाहर ये जो जो आखरत के ऊपर ईमान रखना और उसके ऊपर अपने आप को कार्बन रखना और हमेशा उस मंजिल को अपने नज़रों के सामने रखना जो है ये एक बहुत ही अहम जुज़ है इंसानी जिंदगी का उसको एक सीधे रस्ते के ऊपर कायम और दायम रखने के लिए और उसको उस मंजिल पर रवान दवा रखने के लिए लेकिन वो जो ऐसा नहीं करते उनके दिल जो है वो इनकार करने वाले और तकबर करने वाले होते हैं ला जा कोई शक नहीं अन्नल्लाह के अल्लाह या आलम वो जानता है खूब अच्छी तरह से जानता है इसमें कोई शक नहीं कि वो अल्लाह तला जानता है माँ यूसिर व माँ नून जो वो सब छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं हर एक इंसान के दिल में और उसके जाहिर में उसके बातन में और जाहिर में, उसके पोशीदा और जाहरी जो सारी बातें हैं चाहे वो उसकी नीयतें हैं चाहे उसके इरादे हैं चाहे क्या है वो उसके अमल हैं, चाहे वो छुप कर कोई काम करता है या चाहे वो सबके सामने जाहरी तौर पर काम करता है अल्लाह ताला की तरफ से कुछ उसमें पर्दा नहीं अल्लाह ताला के लिए उसमें कुछ गायब नहीं अल्लाह ताला को सब कुछ जानता है इन ना बेशक वो नहीं पसंद करता मुस्तबर तकबर करने वालों को तकबर करने वालों को अल्लाह ताला, ताला पसंद नहीं फरमाते और यहाँ पर ये इस तरह से भी है कि पिछली आयत में क्योंकि अल्लाह की वहदानियत और क्यामत के ऊपर यकीन रखना ईमान रखना और उसके मुतल जो बातें हैं उसके साथ ही अल्लाह तला ने जिक्र किया कि अल्लाह तला तो छुपी और जाहरी सारी बातें जानता है यानी जाहरी तौर पर बेशक वो ये क्लेम करते रहे हम तो असलाह करने वाले हैं सूरा में और बहुत सारी आयात हमने पढ़ी कि वो या उसके अलावा भी बहुत सारी मशरकिन मक्का के बारे में भी और अहले किताब के बारे में भी कि हम तो इसलाह करने वाले हैं और हम तो अः बस चाहते हैं कि अमनो अमान कायम रहे हम तो अल्लाह को मानते हैं या इवन के नबी की को भी ये पेश किया गया कि एक साल आप अल्लाह की इबादत करें एक साल एक साल, हम, एक साल एक साल हम यानी एक साथ एक साल हम अल्लाह की इबादत करेंगे और एक साल आप जो है वो हमारे महबूदों की इबादत करें तो इस तरह के मामला जो हैं उनको उनकी वजह से कि वो मिडल वे चाहते थे मिडल वे चाहते थे और छुप छुप कर तदबीरें भी करते थे कि छुप छुप कर किसी तरह से इस्लाम की इसको का कला कमा किया जाए या उसके खिलाफ कुछ इकदाम करते थे तो अल्लाह तला तो उनकी जाहरी और छुपी हुई सारी बातों को सारे अमलों को और सारी नीयतों को सारे इरादों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो तकबर करने वालों को अल्लाह तसंद नहीं करता वह इजा की लाल और जब उनसे कहा जाए माजांद रब क्या नाजल किया तुम्हारे रब ने जब उनसे कहा जाए या जब उनसे पूछा जाए तो क्या नाजल किया तुम्हारे रब ने कॉलू तो उन सब ने कहा असातिर पहले लोगों की कहानियाँ पहले लोगों की कहानियाँ जब उनसे कहा जाए कि क्या नाजल किया तुम्हारे रब ने तो वो कहते हैं कि पहले लोगों की कहानियाँ मक्का जब इस्लाम का दौर दौरा था जब इस्लाम जो है वो अपनी हदें जो है वो फैला रहा था उसका पैगाम मुख्तफ लोगों मुख्तु कबीलों और अः मक्का की आबादियों से बाहर भी पहुंच रहा था तो कुछ लोग जो मुसाफिर जो है वो रस्ते से या काफिला कोई गुजरा तो वो या दूसरी आबादियों से जब लोग मक्का की तरफ आते थे तो लोगों से पूछते थे कि ये यहाँ पर नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वो क्लेम करते हैं या वो भी आ, ये ये दावा करते हैं कोई अल्लाह के नबी हैं और उनके ऊपर कुरान नादल होता है तो वो उस कुरान के बारे में या नबी केसम के बारे में मुख्त सवाल तरह के लोगों से करते थे उन लोगों से ज़ाहिर जब जो कबीले से बाहर किसी दूसरी बस्ती से किसी दूसरे शहर से आए हैं या मुसाफिर हैं या काफ़िले की शक्ल में है तो जिससे वो पूछते थे अहले मक्का से तो उनको तो ये नहीं पता होता था आम तौर पर कि ये ये ईमान वाला है या ये कोई काफिर है इनकार करने वाला है या उसका अपना अकीदा और अमल क्या है तो मुख्तलिफ तरह के लोगों से उनमें उनमें जो इस्लाम कबूल करने वाले लोग थे उनसे भी वो पूछते थे, थे और जो दूसरे लोग थे जो जिन्होंने उसका इनकार किया बल्कि उसकी मुखालफत की उनसे भी पूछते थे, थे तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी जो जो इनकार करने वाले थे जो अल्लाह के अहकाम को इनकार ना मानने वाले उनको टुकराने वाले थे उनके बारे में जब उनसे पूछते थे वो कि ये नबी जो है मोहम्मद उनके ऊपर जो कुरान नाजल होता है ये तुम्हारे रब की तरफ से इसमें क्या है क्या इसमें पैगाम है क्या इसमें आयते हैं या क्या इसमें सबक है या क्या इसमें मतलब हमारे लिए क्या पैगाम है या किस तरह की वो आयते हैं उसके बारे में जब पूछते थे तो वो कहते थे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं वो तो अपनी तरफ से गढ़ करके पिछले पिछली कौमों की और पिछली कुछ उम्मतों की कहानियां जो है वही सुनाते रहते हैं उसके अलावा कुछ नहीं तो ये मुशरकिन मक्का का एक एक किरदार या उसका एक जो बिहेवियर था उसकी तरफ अल्लाह ताला, ताला ने इन इन इशारा किया जबकि जब उनसे कहा जाए कि तुम्हारे रब ने क्या नाजल किया तो वो कहते हैं कि पहले लोगों की कहानियाँ सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं किसके अलावा कोई और ख़ास नहीं वो भी नवजुबिल्ला माजल्ला अपनी तरफ से मोहम्मद ने गढ़ दी ये उनका कहना होता था उस वक्त और वो ये सब इसलिए भी कहते थे या उसके उनके उस कहने के नतीजे में क्या होता था लिया मिलू औ रूम ताकि वो सब उठाएं अपने बोझ कामिलतन मुकम्मल तौर पर मल किया क्यामती क्यामत के दिन ये सब इसलिए करते थे या उसके अंजाम के तौर पर उनके लिए ये था कि वो सब अपने बोझ को मुकम्मल यानी उनके ऊपर जितना बोझ है वो सारे के सारा वो क्यामत के दिन उठाएंगे उनके ऊपर बोझ अल्लाह के अ, मतलब जो पैगाम है उसका इनकार कर देना बल्कि उसकी मुखालफत करना वो, ये उनका बोझ है यानी ये उनकी उनके उनके नामा अमाल में जो लिखा जा रहा है उसकी सजाएं जो मिलेंगी ये उनके लिए बोझ है जिसको वो के दिन उठाएंगे अपने बोझ को ना सिर्फ अपने बोझ को बल्कि विन औार और और बोझ बोझ में से उन लोगों का भी अः जिनको वो गुमराह करते रहे या गुमराह करते रहे उन्हें बग़ैर 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 के ये इल्म की कमी की वजह से या अपनी हटदर्मी की वजह से जिनको वो गुमराह करते रहे उनकी गुमराहियों का बोझ भी वो अपने ऊपर उठाएंगे अला खबरदार शाह मजरून बुरा है जो वो वो उठा रहे हैं यानी ये जो दुनिया में इस तरह के मामला कर रहे हैं ना सिर्फ आप खुद अपने उस रस्ते पर चलते हैं बल्कि दूसरों को भी उससे हटाने की कोशिश करते हैं दूसरों को भी गुमराह करते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा क्यामत के दिन कि जब वो ना सिर्फ अपना बोझ उठाएंगे बल्कि दूसरे लोग जिनको उन्होंने गुमराह किया उनका बोझ भी उनको उठाना पड़ेगा उनके गुनाहों का बोझ भी उनको उठाना पड़ेगा और फिर अल्लाह ने खबर कर दिया अला साजरून खबरदार के वो बोझ जो उठा रहे हैं ये बहुत बुरा बोझ है ये ऐसा इतना भारी और इतना अः मतलब अजाब वाला बोझ है कि उसको उठाना जो है वो मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही बुरा है यहाँ पर एक हदीस जो है वो कल मेरी नज़र से गुजरी वो मैंने यहाँ पर कोट कर दी कि यहाँ पर ये इस आयत में है कि ना सिर्फ वो अपना बोझ उठाएंगे बल्कि जिनको उन्होंने गुमराह किया उनकी गुमराहियों के बदले में जो उनके गुनाह हैं उनका बोझ भी वो क्यामत के दिन उठाएंगे तो इस इस ये आयत जो है इसको अगर हम तफसील से देखें तो ये बहुत ही अहम आयत है खासकर आजकल के सोशल मीडिया के दौर में कि जब बुराइयाँ जो है वो बहुत तेजी से फैलती हैं इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आ, मतलब फैलती है सब तरफ तो इस इंफॉर्मेशन के दौर में इस इंफॉर्मेशन के फैलाव के दौर में हमें चाहिए कि हम अपने जो अपनी जो मतलब सिमत है उसको दुरुस्त रखें कि खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज हमारी तरफ से ना निकले जो किसी की गुमराही का बायस हो और एक वक्त ऐसा आ जाए कि उसकी गुमराही की वजह से जो उसके गुनाह हैं उनको भी हमें उठाना पड़े जो ये एक हदीस है अबू दाऊद की जिसमें नबी की फरमाया जिसने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया जिसने यानी जिस शख्स ने लोगों को हदायत की तरफ बुलाया तो उस शख्स को उन तमाम लोगों का अजर मिलेगा जो उसकी दावत पर हदायत का रास्ता अपनाएंगे और जिसने गुमराह ही की तरफ बुलाया तो उसको उन तमाम लोगों के गुनाहों का बार भी उठाना पड़ेगा जो उसकी दावत पर गुमराह हुए थे अबू की हदीस कि जिसने अगर किसी ने किसी ने को नेकी की तरफ बुलाया तो उसके बुलाने की तरफ से उसकी कोशिश के नतीजे में अगर वो नेकी की तरफ रागब हो गया अगर वो उसने अपनी इसलाह कर ली तो जितनी नेकियां वो करेगा इसलाह करने वाला अपनी वो सारी नेकियों का जो अजर है वो उसको भी मिलेगा जिसने उसको उस रस्ते पर डाला लेकिन उसके उल्ट उसकी दूसरी साइड में अगर किसी ने किसी को गुमराह किया किसी ने किसी को किसी गुनाह की तरफ उबारा किसी ने किसी को कुछ ही ऐसे रस्ते की तरफ लगा दिया जो कि गुमराह ही का रास्ता है जो कि गुनाहों का रास्ता है तो फिर जो गुना कमाने वाला है उसको तो उसका गुनाह मिलेगा लेकिन उसको उस रस्ते पर डालने वाले को भी बराबर उस गुनाह की सजा जो है वो मिलेगी आखरत का एक वक्त ऐसा आएगा इसलिए हमें चाहिए कि आज हम अपने जो मामला हैं उनके ऊपर जरूर गौर फिक्र करें और उसके ऊपर जरूर जांच करें कि क्या हमारा कुछ मामला या हमारा कुछ बातचीत करने का तरीका हमारे व्हाट्सएप यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग या हमारी कुछ बातें जो हैं वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड तो नहीं हो रही कि वो वो खुदा ना खास्ता कुछ नेगेटिव नेगेटिव जुमरे में आ जाएं बल्कि उनको पॉजिटिव पहलू जो है वो उजागर रखने चाहिए पॉजिटिव तरीके से और मुस्बत मालूम जो हैं वो पहुंचाने चाहिए और उसमें एक ये भी बहुत अहम है तो गैर जरूरी मवाद गैर जरूरी जरूरी मामूल मा, जुरूरी आ, मा आ, आ, जो हैं उनको भी फैलाने से गुरेज करना चाहिए खासकर आजकल ये न्यूज़ का जो दौर है खबरें जो हैं वो आती जाती हैं और बल्कि सहाफत भी ठीक है सहाफत भी आज़ाद होनी चाहिए लेकिन सहाफी जो है वो क्या करते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि अंदर की खबरें निकालें अंदर की खबरें निकालकर सबसे पहले वो लोगों तक पहुंचाएं अब वो अंदर की खबरें निकालने के चक्कर में कभी वो सच होता है कभी वो झूठ होता है छोटी सी खबर होती है उसको बहुत बड़ा करके बता दिया तो ये इस तरह के मामला जो है ये भी चलते हैं तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है उनको शेयर करने से भी इजनाब करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हैं वो अपने जो आ, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह जो भी प्लेटफार्म हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर बहुत मुख्तात रहें कि दूसरों की गुमराही ना बने उससे बल्कि अगर दूसरों की हदायत और दूसरों की रहनुमाई का सिलसिला अगर शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा अहम है इस इस एतबार से ये आज हमारे लिए आज की जिंदगी में भी बहुत अहमद है बहुत ज्यादा अहमियत की अमल है और उस वक़्त के लोगों के बारे में या वो लोग जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं और तकबर करते हैं और उन गुमराह करते हैं दूसरों के लिए उनके लिए यहाँ पर ये बहुत वाज बता दिया कि वो ना सिर्फ अपना बोझ उठाएंगे बल्कि क्यामत के दिन उन लोगों का बोझ भी उठाएंगे जिनको उन्होंने दुनिया में गुमराह किया कद मकर यकीनन तदबीरें की उन लोगों ने जो मिन उससे पहले थे फात तो आया अल्लाह ताला अल्लाह तुम उनकी इमारत पर बुनियादों से अब ये यहाँ पर इशारा है पिछली कौमों के बारे में जिनके जिनमें से कुछ कौमों का जिक्र या कुछ कौमों के बारे में हमने पढ़ा भी है कौम आद कौम समूद कौम नू कौम साले जो है वो छः सात पाँच छः कौमे जो हैं उनके बारे में पढ़ा कौम लूत भी उसमें शामिल है तो ये उनकी तरफ इशारा किया है कि उन आ, पिछली कौमों के लोगों ने भी पिछले लोगों ने भी आ, बहुत सारी तदबीरें की उनके नबियों के खिलाफ यहाँ पर भी ये जो अः तदबीर है कि जब वो पूछते हैं कि आ, आपके रब ने क्या नाजल किया तो वो कहते हैं पिछले लोगों की कहानियाँ ये गुमराह है ये भी उनकी एक तदबीर है जिसके जरिए से वो उनकी ये कोशिश थी उन मश्रकी ने मक्का की कि इस्लाम जो है वो उसका फैलाव ना हो बल्कि उसकी मुखालफत करने का एक तरीका था ये इसके अलावा भी बहुत सारे उनके अः मामला थे मुखालफत के तदबीरें करते थे खुफिया भी और जाहरी तौर तो पर भी जिसको अल्लाह ताला ने जिसके बारे में भी बता दिया कि वो जो कुछ छुपाते हैं और जाहिर करते हैं सब कुछ अल्लाह तला को पता है अल्लाह तला से वो कुछ छुपा नहीं सकते बहरान जिस तरह से ये मुशरकिन मक्का उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ तदबीरें कर रहे थे इसी तरह की तदबीरें पिछले लोगों ने भी की और जब उन्होंने तदबीरें की तो पातल बनियाना मिनल्कवादी तो अल्लाह ताला ने उनकी इमारत पर तो अल्लाह आया उनकी इमारत पर बुनियादों से यानी उनकी तदबीरों की जड़ें काट दी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उनकी जो तदबीरें जो उन्होंने घड़ी हुई थी जिसके ऊपर वो अमल पैरा थे अल्लाह ताला ने उनकी सारी तदबीरें उल्ट कर दी और उनकी तदबीरों की जड़ें ही काट दी फखर फ्र तो गिर पड़ी अलई उन पर अस अफ छत तो गिर पड़ी उन पर छत मिनफाऊ की उनके ऊपर से वो सोच नहीं रखते थे या जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते थे यहाँ जहाँ से वो उनका शोर भी नहीं था वहां से उनको अजाब आया तो गिर पड़ी उन पर उनके उनकी छत ऊपर से यानी उनके घरों को या उनकी छतों को ऊपर से नीचे घरों को तलपट कर दिया उनके घरों की छतें वो नीची कर दी और बुनियादे जो है वो ऊंची कर दी इस तरह से उनके घरों को उखाड़ कर नीचे मुंह के बल जो है नीचे गिरा दिया जैसे कौमे आद और समूद और कौमे लूत का हमने तस्करा जो है वो कुछ आयात में पढ़ा पड़ा है कि किस तरह से उनके ऊपर अजाब आया और उनकी बस्तियां नेस्त व होगी और उनकी हालत ऐसी थी कि यहाँ पर आ, मतलब जैसे कोई आबाद ही ना हुआ बल्कि उनके उनके मुंह उनको गिरा दिया गया उनके घरों को भी और उन लोगों को भी तो यहाँ पर उनका उनके आजाब उनके ऊपर जो आया कि उनकी जो तदबीरें थी ना सिर्फ वो उल्टी कर दी अल्लाह ताला ने बल्कि उनके उनके ऊपर आजाब इस तरह के आए कि उनकी छतें छत के बल उनके बस्तियां जो हैं उनको गिरा दिया गया और उनको इस तरह से अजाब आया जिस तरह से वो सोच भी नहीं रखते थे यानी इतना अचानक अजाब आया कि वो उसका गुमान भी नहीं करते थे वो बार बार कहते थे कब आएगा कजाब कब आएगा जब आएगा अजाब तो देखेंगे आएंगे बल्कि वो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी ना सिर्फ तकजीब करते थे बल्कि मजाक उड़ाते थे अपने नबियों का कि कब अजाब आएगा कोई अजाब आने वाला नहीं है बस इतने साल हो गए तुम हमारे साथ तबलीग करते जा रहे हो और कुछ अल्लाह की निशानियां जो है वो नहीं आई तो जब उनके ऊपर अजाब का वक्त आया तो इतना अचानक आया कि वो ओंधे मुंह पड़े रह गए उनको उनको ये मोहलत ही ना मिली कि वो संभल सकते फिर योम क्यामती क्यामत के दिन फिर क्यामत के दिन यु वो रिस्वा करेगा उन्हें व यकूलु आय शुर अच्छा वो फिर क्यामत के दिन उन्हें रसवा करेगा अल्लाह ताला ये तो अजाब जो उनके ऊपर आया ये तो दुनिया में अजाब था फिर दुनिया के अलावा क्यामत के दिन भी उनके ऊपर अजाब यकीन आएगा क्यामत के दिन भी उनको रसवा किया जाएगा क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपनी जो मोहलत मिली थी उस मोहलत के अंदर अंदर उन्होंने तोबा नहीं की उन्होंने अपनी असलाह नहीं की उन्होंने उन्होंने अल्लाह के पैगाम को कबूल नहीं किया तो दुनिया में तो उनको उन्होंने मोहलत जो है वो ज़ाया कर दी और अजाब का मजा चखा आखरत में भी उनको अः क्यामत के दिन भी अल्लाह तस्वा कन आजाब जो है उससे दो चार करेंगे उन्हें वह यकूल शुरुआया और वो कहेगा क्या के दिन वो कहेगा कहाँ है मेरे शरीक अल्लाह जीना जो तुम जो थे तुम सब लड़ते जगड़ते फी हिम उसमें उस दिन वो अपने शरीक या उन हस्तियों को पुकारेंगे या उन हस्तियों के बारे में कहेंगे कि कहाँ है वो शरीक जिन जिनसे तुम लड़ते जगड़ते थे उनके बारे में या अल्लाह के बारे में कौला या जिन जिन जिनके बारे में तुम अल्लाह से लड़ते झगड़ते थे या अल्लाह के मुकाबले में तुम खड़े थे कि ये शरीक हैं तुम्हारे आ, ये, ये भी मदद करते हैं कॉल अल्लाजीना कहेंगे वो लोग उतुल इल्मा जिन सब को इल्म दिया गया यानी उस वक़्त ये जो सिचुएशन हो जाएगी उन लोगों की जिन्होंने दुनिया में तकजीब की दुनिया में भी अजाब का चखा और आखरत में भी उनके लिए रसवा का नजाब हो जाएगा और आखरत में फिर वो उन अपने शुरुआ को पुकारेंगे अः मदद के लिए और वहाँ पर वो शरीक जो है जिनको वो पुकारते थे दुनिया में वो भी बारात का इजहार कर देंगे तो जब ये हालत या सिचुएशन होगी तो उस वक़्त कौल ऊतुलिल्मा वो लोग जिनको इल्म दिया गया वो कहेंगे यानी दुनिया में जिनको इल्म दिया गया था या दुनिया में जिनको जिनको अल्लाह ताला ने इल्म की रोशनी दी और उन्होंने अपनी असलाह कर ली वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे या वो भी वो पुकार उठेंगे इन अलकाफरीन बेशक रसवाई है आज के दिन और बुराई है काफरों पर बेशक आज के दिन इन काफरों के पर रसवाई और बुराई का अजाब है वो लोग जिन्होंने दुनिया में अपनी इसलाह कर ली वो भी वहां पर आ, ये बात कहेंगे कि आज का दिन तो काफरों की रसवाई और अजाब का बुराई का दिन है आ, या इसको दूसरे मानों में ये भी है कि जो जिनको दुनिया में इल्म दिया लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दुनिया में इसलाह नहीं की उनके लिए भी सारा कुछ सामने आ जाएगा ना सिर्फ उन्होंने दुनिया के अजाब चखे बल्कि आखरत की रसवाई जो है वो भी उनके सामने वाजे हो जाएगी और वो उसको पुकार उठेंगे और उसके ऊपर वो गवाही दे देंगे कि हाँ अल्लाह ताला ने जो दुनिया में कहा वो हम अब आज देख रहे हैं लेकिन उस वक्त क्योंकि मोहलत खत्म हो गई इसलिए उनका ये पुकारना और उनका ये शहादत देना उसका कुछ फायदा नहीं होगा अल्लाह तमलाय का वो लोग वो जाने निकालते हैं उनकी फरिश्ते सब जुल्म करने वाले अनफम अपने नफ्सों पर वो लोग जो अपने नफ्सों पर जुल्म करते वाल करने वाले हैं उनकी जब फरिश्ते जाने निकालते हैं यानी ये मुशरक या काफ़र जो है अल्लाह के अहकाम का इनकार करने वाले जब उनकी जाने फरिश्ते निकालते हैं फलकू तो वो सब पेश करते हैं असलम सुलह तो वो लोग जो है वो सुलह पेश करते हैं ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि मोहलत का वक्त एक इंसान के लिए एक तो है कि आजाब को या गया अचानक से या क्यामत बपा हो गई ये तो मोहलत है लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में या आम तौर पर हमारे आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारे लिए हमारी मोहलत है एक तो क्यामत का वक्त आना है लेकिन क्यामत के आने से पहले मौत का वक्त जरूर आएगा सबको मौत का मजा जरूर चखना है मौत का वक्त ही दरअसल हमारे लिए मोहलत है और मौत का वक्त जो कब मुकर है कहाँ पर है किसी को कुछ पता नहीं किसी लम्हे किस को मौत आ जाए किसी को कुछ खबर नहीं और जब इंसान को आ, मौत आती है जब उसके ऊपर हालत नजर या गरगरा का आलम जो है तारी आ जाता है उस वक़्त तोबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं उस वक्त मोहलत ख़त्म हो जाती है उसके बाद उनको अपना अंजाम जो है जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं इंसान की रूह तो उनको उनका अंजाम जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है वहीं से उनको अंदाजा हो जाता है कि हम हमारे साथ क्या होने वाला है हमने इस दुनिया की जिंदगी में क्या किया, किया और अब हमारा क्या अंजाम होने वाला है यही है यही वजह कि जब फरिश्ते उनकी जाने निकालने लगते हैं या जाने निकालते हैं तो वो कहते हैं तो सलामत पेश, तो पेश करते हैं वो सलामती पेश करते हैं या सुलह पेश करते हैं वो कहते हैं माँ कुन्ना ना अमलु मिनसू मनसू नहीं थे हम करते किसी बुराई से हम तो किसी बुराई में से नहीं करते थे या हम तो बुराई के काम नहीं करते थे जैसे ही उनके ऊपर हालत नजात आ हुई या उनकी उनकी मोहलत खत्म हो गई और उनको जब पता चलने लग गया कि अब हमारा अंजाम क्या होने वाला है तो वो फरिश्तों के साथ मुकालमा इसका एक और एक दो जग, और जगहों पर भी ए, कुछ आयात में आया है इससे पहले भी इतवा हल्का सा तस्करा हुआ था कि वो फरिश्तों से कहते हैं कि हम तो सुलाह पेश करते हैं और हम तो ऐसी बुराई करने वाले नहीं थे दुनिया में भला क्यों नहीं फरिश्ते तंजन कहेंगे हाँ क्यों नहीं इनल्लाहु अलीम बिमा कुंतुम तामलून बेशक यकीनन अल्लाह यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला है जो तुम किया करते थे आ, हाँ क्यों नहीं आ, तुम जो कहते हो अल्लाह ताला तो यकीनन खूब अच्छी तरह से सब कुछ सुनने वाला है जो तुम दुनिया में करते रहे हो जो तुम दुनिया में करते रहे हो अल्लाह के अल्लाह की नजर में या अल्लाह की इल्म में सारा कुछ है कुछ भी छुपा हुआ नहीं है फद खुलू पस्तुम सब दाखिल हो जाओ अब वहन्नमा जहन्नम के दरवाजों में दरवाजे में खालिदी हमेशा रहने वाले हो हमेशा रहने वाले इसमें उनको जन्न सॉरी फदलू अब व जहन्नमा जहन्नम के दरवाजे में पस्तुम दाखिल हो जाओ खालिदी नफी सब हमेशा रहने वाले इसमें फलब मस वाल तो उसमें तो यकीनन बहुत बुरा ठिकाना है सब तकबर करने वालों को जब उनके ऊपर मौत का वक्त आएगा या मौत उनके ऊपर तारी दे दी जाएगी मौत के उनकी रूह कबज कर दी जाएगी फिर उनके ऊपर वाज हो जाएगा कि उनका ठिकाना क्या है तो फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ भी बता देंगे या जहन्नम की बशारत कह दें उनको दे देंगे या जहन्नम का उनको इशारा मिल जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि अब ये दरवाजा है जिसमें से तुमने तुम्हें दाखिल होना है और उसमें हमेशा हमेशा रहना है और यकीनन जो दुनिया में तकबर करने वाले हैं दुनिया में अपनी मर्जी करने वाले हैं चाहे वो शिरक के मामले में हो चाहे वो ईमान वाले बावजूद अल्लाह के जिंदगी उनके लिए तो ठिकाना जो है वो बहुत ही बुरा है वकील अलीन और कहा गया उन लोगों से अत जिन सब ने तकवा अख्तियार किया पहले हम पहले जिक्र आया था वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया यानी मक्का जो कुफार मक्का जिन्होंने इनकार करने वाले थे जो उन उनसे उन जब वो पूछते थे लोग कि आपके रब की तरफ से क्या हुक्म आया है क्या नाजल हुआ है तो वो कहते थे कि पिछली उमतों के या पिछली कौमों के किसे कहानियाँ बस लेकिन अब ये दूसरी तरह के लोग जो सही मानों में ईमान लाने वाले थे उनके बारे में है कि जब उनसे पूछा गया वकील अली जी, वकील अलीओ जब कहा गया उन लोगों से जिन सब ने तकवा अख्तियार किया मादलाकुम क्या नाजल किया है तुम्हारा रब क्या क्या नाजल किया है तुम्हारे रब ने कालू तो उन सब ने कहा खैरन भलाई बेहतरीन बात जब तकवा अख्तियार करने वाले या ईमान लाने वाले जो लोग थे उनसे जब पूछा जाता था कि तुम्हारे रब की तरफ से क्या पैगाम नाजल हुआ या क्या आयात आई तो किस तरह का ये पैगाम है तो वो सब कहते उन सब ने कहा बेहतरीन बात उनमें तो बलाई है हमारा रब जो हमारे लिए भलाई नाजल करता है उसमें भलाई है उसमें खैर है इस दुनिया की भी खैर और आखरत की भी खैर लजीन आहसन उन लोगों के लिए जिन सब ने नेकी की, की फी दुनिया इस दुनिया में हसानतन भलाई है उन जो जिन लोगों ने नेकी कमाई या जिन लोगों ने नेकी का रास्ता अख्तियार किया उनके लिए दुनिया में भी बड़ी भलाई है वाला दार आखिरती खैर और यकीन आखरत का घर भी बहुत बेहतर ठिकाना है जिन्होंने दुनिया में अपने अमल को दुरुस्त रखा आ, क्यामत को सामने रखते हुए आखरत को सामने रखते हुए अपनी मंजिल जो है उसको हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखा और उसी रस्ते पर चलते रहे नेकी करते रहे तकवा तकवा अख्तियार करते रहे तो उनके लिए ना सिर्फ दुनिया में बलाई है बल्कि आखरत में जो उनको उनका घर है ठिकाना है वो भी बेहतरीन ठिकाना है आ, वाल, वाला नम दार्मी और यकीन बहुत अच्छा है परहेजगारों का घर वो परहेजगार जिन्होंने दुनिया में परहेजगारी की उनको यकीन बहुत अच्छा और बेहद बहुत, बहुत नमत वाला घर जो है वो मैसर होगा जन्नात आदन बात है हमेश, बागात की के उन जन्नतों में क्या होंगे या आखरत के ठिकाने जो हैं वो किस तरह के होंगे जन्नात आदन की के बाग़ा हमेशा हमेशा कायम रहने वाले बाग़ात होंगे यद खलून जो वो सब खिल होंगे उनमें तजरी उनकी उनके नीचे से नहरें बहती होंगी लाहुम फीहा माँ यशा उनके लिए उसमें सब वो सब कुछ होगा जिसको वो चाहेंगे जो वो ख्वाहिश करेंगे या जिस चीज की वो उनको तमन्ना होगी वो सब उनके लिए मैसर होगा कदाली का यजिल्ला इसी तरह से वो जजा देता है अलमत्तिन परहेजगारों को जो दुनिया में परहेजगारी करने वाले हैं उनको तो अच्छा बदला जो है इसी तरह से दिया जाता है लेकिन जो इनकार करने वाले हैं दुनिया में तकबर का रास्ता अख्तियार करने वाले हैं उसके बारे में भी पिछली आयात में अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनका ठिकाना तो बहुत ही बुरा है दुनिया में भी उनके लिए बहुत अ, मतलब अजाब है या बुरा है बुराई है और आखरत में भी उनके लिए रसवाई और बुरा ठिकाना है तफा वो जो लोग जो वो जाने निकालते हैं अलमलाई का तो फरिश्ते तो जब वो फरिश्ते जाने निकालते हैं पहले फरिश्ते जाने निकाल जिक्र हुआ कि जब तकबर करने वालों की जाने निकालते थे उनके बारे में अब उन लोगों के बारे में जो पाक हैं जो तकवा अख्तियार करने वाले हैं जो लोग जो जाने निकालते हैं उनकी फरिश्ते सब पाक होते हैं आ, यकूलूना यानी सब पाक होते यानी परहेजगारों की जब वो जाने निकालते हैं फरिश्ते सलाम अलैकुम वो सब कहते हैं सलाम हो तुम पर फरिश्ते उन पर सलामती भेजते हैं या सलाम करते हैं या वो वो तयब लोग जो हैं वो सलामती पेश करते हैं फरिश्तों पर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने भी अः यहाँ पर कहा पाल सलाम, तो उन्होंने सुला पेश की ये जो जुल्म करने वाले थे उनके बारे में भी यहाँ पर आया कि उन्होंने सुलह पेश की तो वो सुलह पेश करते हैं इसी तरह से तैयब लोग जो परहेजगार लोग जहाँ जब उनकी जाने निकाल निकाली जाती हैं तो वो भी सलामती या सुलह पेश करने वाले या सलामती पेश करते हैं या सलाम करते हैं तुम सलाम हो तुम पर उद खलू तुम सब दाहल हो जाओ आप उनसे कहेंगे तुम सब दाहल हो जाओ जन्न जन्नत में बिमा कुम था उसके बदले में जो तुम सब किया करते थे दुनिया में जो तुमने अच्छे अमल किए जो तुमने कुछ मेहनत मशक्कत करके कुछ आजमाइशें झील कर जो सीधे रस्ते पर अपने आप को गामदन रखा और जो नेक अमल तुम करते रहे उसके बदले में तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ हल जम जरूना नहीं वो सब इंतजार करते ये अब वापस उन्हीं लोगों की तरफ आ गया जो कि मतलब कुफर करने वाले और शिरक करने वाले जो कि इस चीज का ही इंतजार करते हैं कि कब आएगा आ, मतलब आजाब या कब वो घड़ी आएगी जिसका तो मोहम्मद या कुरान की मुख्त आयात में आता है कि तुम्हारे ऊपर आजाब भी आ जाएगा या पिछली कौमों के ऊपर आजाब आया जब उन्होंने अपने नबियों रसूलों और किताबों को और अल्लाह के अहकाम को आ, का इनकार किया बल्कि उसकी तकजीब के साथ साथ उसका मजाक भी उड़ाते रहे तो ये उन लोगों के बारे में कि नहीं वो सब इंतजार करते बल्कि इस सूरह मुबारक के शुरू में सबसे पहली ही आयत यही थी कि उस अल्लाह के जो हुक्म है वो आन पहुंचा अब तुम उसके अजाब की तलब जो है उसमें जल्दी मत मचाओ तो यही वो फिर दोबारा उसी तरफ हमें याद दिहानी के लिए आ गया कि वो सब इंतजार नहीं वो सब इंतजार करते अंता अतिया का मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते आओ या अतिया अमरबिक या वो आए हुक्म तेरे रब का या तो उनके पास फरिश्ते आए या तेरे रब का हुक्म आए या तो उनके पास फरिश्ते आए या फरिश्ते आए फरिश्ते आए दो तरह से है एक तो पिछली कौमू के ऊपर जब फरिश्ते आते थे या हमें याद होगा कि जब उनके ऊपर आजाब आता था तो फरिश्ते जो है वो पैगाम लेकर आते थे उन नबियों के पास उनको हिजरत का भी कह दिया और पिछली जो कौम जो है जो तकजीब करने वाले जो गुमराह कौम है उसको आजाद का मजा भी चखा दिया इस दुनिया में और उसके अलावा फरिश्ते जो आते हैं रूह को कबज करने के लिए या मौत को वारद करने के लिए जैसा कि पिछली आयात में हमने देखा कि दोनों सूरतों में चाहे वो तकबर करने वाले लोग हैं चाहे वो तकवा अख्तियार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी फरिश्ते आते हैं उनकी रूह को कबर करने के लिए तो या तो उनके ऊपर जो मोहलत का वक्त खत्म होने तरफ हो उपर, की तरफ इशारा है या तो उनके ऊपर मोहलत खत्म हो जाए और फरिश्ते आ रहे हैं उनके ऊपर या वो अल्लाह का हुक्म आ जाए अल्लाह का हुक्म क्या है यहाँ पर क्यामत की तरफ इशारा है कि या तो क्यामत का इंतजार कर रहे हैं या वो फरिश्तों का फरिश्तों के आने का या अपने मोहलत के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर रहे वो अपना जो गुमराही का रास्ता है उसके ऊपर कायम रहते हुए अब उनके लिए या तो वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं या वो क्यामत का इंतजार कर रहे हैं कजालीफा इसी तरह किया उन लोगों ने भी जो उससे पहले थे पिछली कौमों के लोग जो हैं उन्होंने भी इसी तरह से किया उन्होंने भी अपने कौमों की अपने नबियों की और रसूलों की तकजीब की और इसी तरह से वो भी कहते हैं कि कब अजाब आएगा आ जाए जब अजाब, अजाब आएगा हम देखा जाएगा तो जैसे पिछले लोगों ने किया इसी तरह से ये लोग भी करते हैं वो माँ ला नहीं जुलम किया और नहीं म किया अल्लाह ने उन पर वलाकिन कानु अनफुतहुम यज़लिमून और लेकिन वो सब थे अपने आप पर ज़ुल्म करते अल्लाह ने तो उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने ही ऊपर जुल्म किया या वो अपने ही ऊपर जुल्म करते थे अल्लाह ने तो उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया अल्लाह ने तो उनके ऊपर रसूल और नबी जो है वो भी भेज दी अल्लाह ने किताब भी भेज दी अल्लाह ने वाज तौर पर हिदायत हिदायत भी दे दी अल्लाह तला ने मोहलत भी दे दी अल्लाह तला ने सही और गलत रास्ता जो है वो भी बता दिया और उसको तमीज़ करने के लिए अक़ल और फहम और इल्म भी दे दिया सारा कुछ दे दिया अल्लाह तला ने तो हजरत तमाम कर दी अल्लाह तला ने तो जुल्म नहीं किया लेकिन जो उस पैगाम को उस नसीहत को कबूल करने, करने से तो दुनिया में तो उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया बल अल्लाह ने तो उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि अल्लाह ने तो जो उसका वादा है नसीहत देने का और, और पैगाम पहुंचाने का रास्ता दिखाने का वाजे करने का वो तो सब कुछ कर दिया फाशा बहुम सजात तो आम पहुँचे तो आ पहुँचे उनके पास बुरे नतज माँ आमिलू जो उन सब ने किया जो उन्होंने इस दुनिया में अमल किया उसके नतीजे में उनके पास बुरे नतीजे जो है वो पहुँच के वहाँ का बिहुम और घेर लिया उनको माँ का नही जस्ताजीन वो सब कुछ जो थे मजाक उड़ाते जो दुनिया में जो मजाक उड़ाते थे अल्लाह के अहकाम का या उसके मुख्त पहलुओं का मुख्तलिफ तरह से मजाक उड़ाते थे चाहे वो हंसी मजाक करके मजाक उड़ाते हों, चाहे वो सामने हक जो है वो सामने आ गया उसके बावजूद उसको पसे पुस डालकर मजाक किया या उसको कोई अहमियत फोकियत नहीं दी जिस भी तरह से जो दुनिया में इस तरह से अल्लाह के पैगाम का और उसकी नसीहत का मजाक उड़ाते रहे तो उनके पास तो बुरे नतज बुरा अंजाम जो है वो 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 घेर लिया उन उसने घेर लिया उनको अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला ने ये जो पिछली आयत में दोनों तरह के लोगों का जिक्र किया तो अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार फरमाए अख्तियार करने वाले हैं उन लोगों में शुमार फरमाए जिनके ऊपर फरिश्ते हैं वो सलाम भेजें और जिनको जैसे ही उनकी रूह कबज़ हो तो वो उनको जन्नत का रास्ता जो है वो दिखा दिया जो अल्लाह तला से खास कर दुआ है कि हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से उठाना और इस हालत में उठाना और कि हम इस काबिल हों कि हम कामयाब लोगों में पहले ही राउंड में कामयाब लोगों में शुमार होने वालों में बन जाए आमीन या ला ला वमा जी, अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं आप तो कर सकते हैं जजाक खैर कसीरा सीरा जी इजाज़त चाहते हैं इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो एक पैगाम जो है दोबारा से कल भी शायद दिया था आज कल पाकिस्तान में बल्कि इंडिया बंग्लादेश वगैरह में भी है इन मुल्कों में सैलाब की सिचुएशन की वजह से सैलाब की वजह से बारिशों की वजह से बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं और ख़ास कर कुछ वो इलाके और बस्तियाँ आबादियाँ जहाँ पर कुछ सहूलियात पहले से नहीं थीं जहाँ पर कुछ गरीब आबादियाँ और बस्तियाँ थीं वहाँ पर तो बहुत ही बुरे और बहुत ही गमगीर हालात हैं तो कोशिश करें जरूर कोशिश करें जहाँ तक आपकी इस्तात है जहाँ तक आपकी हिम्मत है कि उनकी आप खिदमत मैं उनकी मदद नहीं कहूँगा उनकी आप खिदमत कर सकें क्योंकि ख़िदमत का सिला जो तो है वो तो अल्लाह तला ही देता है तो आप ज़रूर कोशिश करें उन लोगों के लिए और उन उन इस जराए से कोशिश करें जो आपके बातबार जराए हैं ऐसे जराए नहीं के जिनको आप जानते नहीं जो सही मानों में खिदमत करने वाले बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त को और अपनी कोशिश को आ, सर्फ किया हुआ है उन लोगों की खिदमत के लिए लेकिन उनके पास भी जाहिर मतलब इतने वसायल नहीं होते तो उनको भी ज़रूरत होती है ताकि उनको कुछ वसायल मिले जिससे वो उन लोगों की मदद कर सकें या खिदमत कर सकें तो अब जरूर अप्रोच करने की कोशिश करें जहाँ तक मुमकिन हो अल्लाह ताला हम सब को जदाय खैर दे और हम सब को कामयाब लोगों में शुमार फरमाए और इस काबिल बनाए कि हम दूसरों की जहाँ तक मुमकिन हो मदद भी कर सकें आमीन या रब्लॉमीन इजाजत चाहते हैं इसके साथ ही वालदेन को जरूर याद में रखें अल्लाह ताला सब वालदे को अपने खास फजलों को से रखे जो इस दुनिया में हयात है हैं अल्लाह तुन सेहत से भरपूर से जिंदगी अता फरमाए जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वाले बहन भाई रिश्तेदार अजीज वारब अल्लाह तु सब के लिए भी आसानी वाले मामले फरमाए और उनको जन्नतफरद में आला मुकाम अता फरमाएल्ला वरक अंकल मैंने पूछना था ये पैसे आपके पास भिजवा दें हाँ मेरे पास भी भिजवा सकते हैं क्योंकि मुझे भी मतलब कल ही आया है हैदराबाद की तरफ से वहां पर है एक एक मदरसा है तो वो खुद उन्होंने बहुत सारे इलाकों में विजिट किया है मैंने कुछ कुछ थोड़ी से रकम भेजी थी उनको तो उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कल कुछ वीडियोस भी भेजी थी कि खुद जाकर वो मुख्तलफ इलाक़ों में और उनकी कैफियत और हालत देख कर भी इंसान जो है वो डर जाता है कि अल्लाह ताला महफूज रखे कि किसी के ऊपर ऐसा बुरा वक्त आए तो उन्होंने ख़ासकर कल मुझे जो पैगाम भेजा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो फंसे हुए हैं उनकी नकलो हरकत और सारा कुछ कम अज़ कम उनको खाना जो है वो तो ज़रूर उस वक़्त तक पहुँचाएं जब तक उनके इलाक़ों से पानी थोड़ा सा कम नहीं होता और वो वापस अपनी आबादकारी की तरफ नहीं जाते या वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ नहीं जाते तो ज़रूरत तो है बहुत सारी जगहों पर अगर आप मुझे भेजना चाह रहे हैं तो मेरे पास भी एक जरिया है मैं भी आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ और अगर आपके अपने मसाइल हैं तो आप ज़रूर उनको कोशिश ज़रूर कर सकते हैं आप अपना नंबर भेज जी आप व्हाट्सएप ग्रुप में है ना जो अब्दुल हाँ का जो ग्रुप है तो उसमें मतलब आप मेरा जो नंबर है उसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर दें क्योंकि तो मेरा इजा कला है इजा कला है जी वही है जी जजाकुम अल्लाह कसीरा इसी के साथ ज्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो

और अगर आप कुछ एतबार रखते हैं तो आप मुझसे पर्सनली रबता कर सकते हैं वो व्हाट्सअप ग्रुप के ज़रिए तो मैं इनशाला ज़रूर जो है वो मुस्तक लोगों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के तात फ करम से सबको को दो ज़रूर याद रखें अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो और अल्लाह तब के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले होंम जारबलमी असल वरह वरक